सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हरि के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हरि से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 66 वचन 1 से, यशायाह अध्याय 66 वचन 1 से आइए देखते हैं। यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? यहोवा की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरे ही हाथ की बनाई हुई है, इसलिए ये सब मेरी ही है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा कि जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि जिसमें परमेश्वर का दास यशायाह परमेश्वर के न्याय के विषय की बातें हमें बता रहा है और कह रहा है कि यहोवा यों कहता है। परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर की मर्जी को वो हमारे और आपके सामने कह रहा है। कहता है कि परमेश्वर यहोवा यों कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। कहता है, हे मेरे भाइयों या हे मनुष्य की संतानों, वह स्वर्ग में बैठा परमेश्वर वो हमसे और तुमसे यो कहता है कि आकाश मेरा बैठने का जगह है, सिंहासन है, और पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है। कहता है, मैं आकाश पे बैठता हूं और पृथ्वी पे पैर रखता हूं। तो कहता है कि तुम मेरे लिए कैसा भवन बनाओ। कहता है, तुम मेरे लिए भवन बनाना चाहते हो, मुझे घर देना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो। कहता है, तेरी पहले मेरी साइज को देख ले। मेरी साइज ये है कि आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है, यानी आकाश पे मैं बैठता हूं तो पृथ्वी पे पैर रखता हूं। कहता है, इतना बड़ा मेरी साइज है, इसलिए कहता है, अब बता तू मेरे लिए कैसा भवन बनाओगी, कैसा घर बनाओगी और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा। कहता है, मेरे सोने वाला जगह कौन होगा, मैं कहां आराम करूंगा। तो मेरे आराम करने का जगह कहां तू निश्चित किया है, मेरी साइज इतनी बड़ी है और तू मेरे लिए घर बनाने की बातें करता है, तो मुझे बता कि मेरा रहने का स्थान कौन सा होगा और मेरे विश्राम करने का जगह कौन होगा। वो परमेश्वर का दास कहता है कि देखो, परमेश्वर का यह वचन है, वो कहता है कि ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई गई है। कहता है, जिन वस्तुओं को तू देखता है, कहता है, सारी वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई गई है, सब मेरे हाथ, इसलिए ये सब मेरी ही है। कहता है, सारी वस्तुएं तो मेरे हाथ की बनाई गई है, इसलिए सारी वस्तुएं मेरी ही है, सब मेरी है। मेरे प्यारे भाई बहनों, कहता है कि ये सारी चीजें मेरी ही है, मैंने बनाया है, मैंने रचा है, इसलिए इस पे मेरा अधिकार, मैंने बनाया, मेरा है। कहता है, परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। कहता है, तू मुझे खुश करने के लिए, तू मुझे घर बनाना चाहता है, मेरे लिए घर बनाना चाहता है, ताकि मैं तेरे दिए हुए घर में रहूं और खुश हो जाऊं। कहता है, पहले मेरी साइज के विषय में जान ले, तब मेरे लिए घर बनाना। मेरी साइज ये है कि मैं आकाश में सिंहासन लगाता हूं तो पृथ्वी पे पैर रखता हूं।
इसलिए तू मेरे मेरे लिए कौन सा घर बनाओगी और मेरे आराम करने का जगह कौन सा होगा, मुझे बता। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा परमेश्वर महान विक्रम, महान विराट परमेश्वर है, महान विराट परमेश्वर है। हमारे पास औकात नहीं है कि हम परमेश्वर को घर बना कर दे सके या हम परमेश्वर के रहने का जगह बनाए। वो किसी के हाथ के बनाए हुए जगह में नहीं रहता, वो स्वयं अपने हाथ के बनाए हुए जगह में रहता है। उसका जगह कहाँ है? हमारा हृदय, हमारा और आपका हृदय है। वह स्वर्ग के अलावा कहीं रहता है तो वह मनुष्य के हृदय में रहता है। इसलिए कहता, तुम मेरे आराम करने का जगह कौन सा दोगी? कहता है, देखो ये सारी चीजें मेरी ही है, मेरे हाथ की बनाई गई, इसलिए ये सब मेरी है। कहता है, अगर तू मुझे खुश करना चाहता है ना, तो सुन ले। कहता है कि देख, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, उसी से प्रसन्न होऊंगा, उसी के ऊपर दया करूंगा, उसी के ऊपर करुणा करूंगा कि जो दीन और खेदित मन का, जो नम्र होगा, दीन होगा, दयावंत होगा। कहता है, और मेरा वचन सुनकर जो थरथराता होगा, कहता है मैं उन्हीं की, कहता है कि जो मेरा वचन सुनकर थरथराता है और जो दीन बनता है, कहता है मैं उन्हीं के ऊपर दृष्टि डालूंगा, उन्हीं के ऊपर दया करूंगा, मैं उन्हीं के कामों से खुश होऊंगा। इसलिए मेरी प्यारी, यदि आप परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं तो आप अपने आप को नम्र और दीन बनाए। आप कृपालु बनिए, दयालु बनिए, हर एक के ऊपर दया करनी बनकर उस परमेश्वर की जरूर है कि वह परमेश्वर आपसे आनंदित होगा, प्रसन्न होगा और आपके जीवन में एक बड़ी आशीष देगा। आमीन। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, पूरे विश्वास से भर जाइए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद करता हूँ मेरे प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करता है, इस मसीह तेरे नाम में प्रार्थना करता है। पिता, अपने पवित्र तेजस्वी सामर्थ्य बलवंत हाथों को बढ़ाकर उनके शरीर को स्पर्श कर, शरीर में जितने दुख तकलीफ बीमारियां बिल्कुल बाहर निकले, दुष्ट आत्मा, सैतानी आत्मा, मरी हुई आत्मा, पूज्यमान शक्तियों का प्रभाव प्रकोप हो तो बिल्कुल नष्ट होने पर। हाँ मेरे महान परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, जितने लोग प्रार्थना को सुने प्रभु, आज हर के जीवन में नया चमत्कार होने पर, हे प्रभु, इनके घर पे, इनके परिवार पे, इनके रोजी रोजगार, काम धंधे, बिजनेस व्यापार पे तू आशीष दे, ताकि इसमें बढ़ोतरी और बरकत होने पाए। हे परमेश्वर, जिसके पास कोई रोजगार नहीं, रोजगार मिले, नौकरी नहीं, नौकरी मिले, जो गरीबी के श्राप में छुटकारा पाए, जो कर्ज में उसका कर्जा आ जाए, प्रभु, जिसके पास घर नहीं उसे घर मिल जाए, चलने का साधन नहीं चलने का साधन हो, जिसका जमीन कोई विवाद में फंसा है उसके जमीन का फैसला होने पर, हे परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तू अद्भुत युक्ति करने वाला प्रभु है, क्योंकि वचन में लिखा गया है कि जो विश्वास करता लज्जित नहीं होता। हे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ, सबको विश्वास से प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि ये लोग विश्वासी हैं, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में अलौकिक चमत्कार होने को। जितने बीमार लोग इस प्रार्थना को सुने प्रभु, हर एक के ऊपर दया बरसा, हर एक के ऊपर करुणा बरसा, ताकि भारी दया भारी करुणा से प्रभु इनके जीवन में चमत्कार होने पाए। जितनी बीमारियां, जितने भी दुख, जितनी भी समस्या इनके जीवन में, वो सारी बीमारियां, सारा दुख, सारी समस्या इनके जीवन से जाने पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता, क्योंकि हे परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया है कि मैं तुझे बहेली की जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे परों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तब वचन के अनुसार प्रार्थना करता, शैतान रूपी बहेलियां जो उनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा, शैतानों को नष्ट करने चंगा कर, ये चंगे होकर तेरे नाम की महिमा कर। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनके घर परिवार के ऊपर आशीष दे। जितने लोग इस प्रार्थना को सुने, जितनी बीमारी से जकड़े हुए लोग हैं, अभी मैं यीशु के नाम में डांटता हूँ कि बीमारी से क्षण निकल जाए। तो महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ इन्हें छू ले प्रभु, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श कर, इन्हें स्पर्श कर, इनके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता है जिनके पास कोई संतान नहीं, प्रभु ने संतान की आशीष दे, उनके गर्भ को सींच मेरे प्रभु, उनके गर्भ के सारे बंधन को तोड़। हाँ मेरे प्रभु, जिसके पास
संतान ने इन दोनों पति पत्नी के जीवन में आशीष दे ताकि हर घटी कमी दूर हो जाए और उन्हें एक संतान की आशीष मिले पाए। हाँ मेरे महान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जिसके शरीर में दुष्ट आत्माएं निकलने पाए, दुष्ट आत्माएं निकल जाए। हाँ मेरे महान प्रभु, मैं प्रार्थना करता पिता, हे परमेश्वर इन्हें पवित्र आत्मा के आनंद से भर दे, इन्हें आत्मिक बना प्रभु, इन्हें आत्मिक ज्ञान बुद्धि दान वरदानों से परिपूर्ण कर। ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, ओ पवित्र आत्मा हरि को छू ले, पवित्र आत्मा हरि को छू ले, देखो पवित्र आत्मा हरि रिसीव करो, रिसीव करो, रिसीव करो। टच महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता हूँ स्वर्ग की आशीष इनके ऊपर उतरने दे ताकि ये परमेश्वर इनके जीवन में नया चमत्कार होने पाए। जितने लोग ये आशीष को रिसीव कर रहे हो, हर कोई रिसीव कर लो, क्योंकि हर एक के जीवन में चमत्कार उतर रहा है। जिससे विश्वास से आप इस आशीष को रिसीव करोगे, आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में चमत्कार होगा, आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में चमत्कार होगा। लिवरंद गरिंदे शिंदे लिवा संदला। महान परमेश्वर, में प्रार्थना करता पिता, स्वर्ग का अनुग्रह इनके जीवन में आने पर प्रभु तेरा साथ इनके साथ, तेरा हाथ इनके सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर दे प्रभु, यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे, गॉड ब्लेस यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।